संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में थी 6 लड़कियां। म्यांमार, बांग्लादेश और दिल्ली से जुरातार कटिहार रेलवे से लड़कियों को किया गया बरामद। रेल सुरक्षा बल और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई कर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 6 रोहिंग्या युवती को पकड़ लिया है। साथ में 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। रोहिंग्या युवती और पकड़े गए दलाल के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य कागजात बरामद किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सभी का संबंध म्यांमार, बांग्लादेश और दिल्ली से बताया जा रहा है। इस घटना के बाद कटिहार में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की पैनी नजर है। इस मामले को लेकर जो दलाल गिरफ्तार हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए। गुवाहाटी से गुवाहाटी से बर्मा के पता नहीं मुझे दिल्ली वहाँ से भाई क्या उसका भाई आएगा बोला था जम्मू से कितना पैसा दिया था वहाँ तक पहुँचाने के लिए। सर दिल्ली तक पहुँचाने 12,000 रुपये दिया था। एक लड़की को लेके चले गए 4। यहाँ तो ज़्यादा लड़की है सर। वो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ 4 था सर। तुम्हारे साथ 2 महिला 4 है। महिला क्या को तुम्हारे साथ 4 महिला और जो यहाँ तो ज़्यादा बुझा रहा है। ज़्यादा 2 मेरे साथ नहीं था सर, ये लोग अलग सीट में था, वहाँ से दूसरे जगह से लेके आया। जी सर नहीं सर, बॉर्डर का मुझे पता नहीं है सर, मैं गया नहीं हूँ सर। इसका भाई एक है उसने लेके आया बोला था नजीबुल्ला। क्या नाम है? अहसानुल हक। घर का? जम्मू। किस ट्रेन से लेके जा रहे हैं? ट्रेन का नाम पता नहीं है सर मुझे। वहीं इस संबंध में आरपीएफ और जीआरपी ने कुछ भी बताने से इनकार करते हुए कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। देखिए जीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी नहीं, मतलब क्या जानकारी इकट्ठा हो रही है? थोड़ा बात नहीं। कहाँ के लोग हैं? बाद में पूछताछ करके पता चलेगा तब बोल दिया। तो आपने देखा कि रेल पुलिस अधिकारी जो हैं वो कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहे थे। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बांग्लादेश के 2 रिफ्यूजी कैंप कुडुक पलंग और थंगा खाली से भागकर आई यह लड़कियां और इन लोगों को और रोजगार देने के बहाने से म्यांमार से कई साल पहले भारत आए एहसानुल हक और शमसुल हक इन लोगों को दिल्ली और फिर जम्मू कश्मीर ले जा रहा था। फिलहाल रेल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।